पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदर की टिप्पणी के मामले पर इस्लामिक देशों द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है। पैगंबर के खिलाफ कथित रूप से आहत करने वाली टिप्पणी की पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ईरान ने निंदा की है। हालांकि बीजेपी की कार्रवाई का सऊदी ने स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और दोनों नेताओं ने अपने बयान भी वापस ले लिए हैं। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार सऊदी अरब ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी को अपमानजनक बताया और विश्वास और धर्मों के लिए सम्मान का आह्वान किया है। सऊदी अरब से पहले इस मामले पर कतर, कुवैत और ईरान ने रविवार को भारतीय दूत को तलब किया था। दोहा में भारतीय दूत को विदेश मंत्रालय ने तलब और एक आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि कतर भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। कतर की तरह पड़ोसी कुवैत ने भी भारत के राजदूत को तलब किया और इन शत्रुतापूर्ण बयानों के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय राजदूत को रविवार को तलब किया गया और एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री ने उन्हें एक आधिकारिक विरोध नोट सौंपा, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा नेता की टिप्पणी को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए इनकी निंदा की गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भी भारत में सत्तारूढ़ दल के नेता द्वारा इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ कथित रूप से आहत करने वाली टिप्पणी की रविवार को निंदा की। शाहबाज ने ट्वीट किया, मैं अपने प्यारे पैगंबर के बारे में भारत के भाजपा नेता की आहत करने वाली टिप्पणी की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि भारत की वर्तमान सरकार धार्मिक स्वतंत्रता और विशेष रूप से मुसलमानों के अधिकारों को कुचल रही है। वहीं भाजपा पैगंबर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के बाद अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया, जबकि दिल्ली मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी निष्कासित कर दिया गया है। पिछले हफ्ते एक टीवी चैनल पर एक बहस के दौरान भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर का अपमान किया था। वहीं एक अन्य बीजेपी नेता नवीन जिंदल ने पैगंबर के बारे में एक ट्वीट पोस्ट किया था। विवादित बयान को लेकर भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में संकट गहराया गया है। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद दो गुटों के बीच हुई झड़प से 40 लोग घायल हुए थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस मामले में कहा था कि बीजेपी किसी भी धर्म के पूजनीयों का अपमान स्वीकार नहीं करती, किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला विचार स्वीकृत नहीं है। कांग्रेस ने भाजपा के बयान को महज एक ढोंग बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी द्वारा पार्टी नेताओं पर की गई कार्रवाई महज एक डैमेज कंट्रोल है।